प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर हैं, वह सिर्फ वोट डाल देते हैं और घर में टीवी में चर्चा करते कि वो सरकार खराब है, वो सरकार खराब है। लेकिन आप अगर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको राजनीतिक में आना चाहिए। और इसका बहुत अधिक अच्छा उदाहरण प्रोफेसर जावेद इकबाल अंसारी हैं, जो जन्म जमशेदपुर में हुआ है और उनका कर्म स्थल जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज है, लेकिन उनका राजनीतिक झारखंड और बिहार के बीच घूमते रहता है और वर्तमान में हमारे साथ है और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, कैसे करके आपने राजनीति में सफ़र स्टार्ट किया, क्योंकि एजुकेशन वाले व्यक्ति बहुत कम आते हैं राजनीति में, तो आपने अपनी राजनीति कहाँ से शुरुआत की? जब मैं दरभंगा में पढ़ रहा था, भैया मैट्रिक यहाँ से किया जमशेदपुर से, आर डी टाटा हाई स्कूल से, उसके बाद मेरे चाचा जी प्रोफेसर थे दरभंगा में जूलॉजी के, तो मुझे जूलॉजी ऑनर्स लेना, तो मैं चला गया दरभंगा। और दरभंगा में पढ़ाई के क्रम में ही अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई और ये हमारे राजनीतिक गुरु यही रहे। और जब पढ़ाई मेरा एमएससी कंप्लीट हो गया, जब मैं पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद मैं जीत के आया, क्योंकि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो इन्होंने लालू जी से मुझे मिलवाया और 95 में मुझे टिकट दिलवाया और मैं चुनाव जीता और वहीं से मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। 96 में फिर मैं यूथ का प्रेसिडेंट बना यूनाइटेड बिहार में, जनता दल का। फिर 97 में राष्ट्रीय जनता दल का यूथ प्रेसिडेंट हुआ, तो 97 में ही लास्ट में फिर मैं मंत्री बन गया, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर। और फिर 2000 में मैं 99 में पार्लियामेंट चुनाव लड़ा गुड्डा से, समझे, और 2000 में मैं चुनाव नहीं लड़ सका। 2005 में फिर मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। 2010 में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। और फिर 2014 में कुछ खटपट हो गया पार्टी से, इसके वजह से मैं छोड़ के जदयू में चला गया। वहाँ 6 साल के लिए एमएससी बना, वहाँ पर टूरिज्म मिनिस्टर में रहा, समझे। उसके फिर इस बार फिर जनता दल में लालू जी ने मुझे वापस बुलाया और मैं चुनाव लड़ा और इस बार चुनाव में लूज़ किया। यहाँ भी जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में हैं और अपना काम कर रहे हैं। सर, बहुत अधिक एक्सपीरियंस चुनाव, बिहार की चुनाव और झारखंड की चुनाव, तो लगभग दोनों प्रदेश छोटे भाई बड़े भाई के बात है, लेकिन दोनों का कल्चर, दोनों का सोच एक जैसे। तो अभी बात होती है कि सर 2024 सभी राजनीतिक पार्टी तैयारी कर ली है और केंद्र सरकार अभी UCC लेके आ रही है, तो इसमें क्या कहना है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी जो है बहुत अधिक आवाज़ उठा रहे हैं, और क्या कारण है कि वह कानून आप लोग के लिए सहूलियत नहीं? देखिए, कानून का पहले कोई ड्राफ्ट आए सामने तब तो पता चलेगा कि ये सहूलियत है या नहीं है। एक UCC लेके सरकार ने एक तो एक तरह समझिए कि एक बात मैदान में छोड़ा है कि UCC होना चाहिए, यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए। तो ऐसे में अब माइनॉरिटी के लिए क्या उसमें सही होगा, क्या गलत होगा, लेकिन हमें जो डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा जो अपना अधिकार है, मेरा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो अपना अधिकार है, उस पर कहीं कोई कटाक्ष नहीं किया जाए, इसको लेके हम लोग सहमे हुए हैं। लोग बात करते हैं, लेकिन जब तक इसका कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आता है कि क्या बातें होंगी, तब तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और केंद्र सरकार इसी तरह से NRC और CAA भी लेकर के आई थी, लेकिन क्या हुआ उसका रिजल्ट आप लोग जान रहे हैं। तो जब जब चुनाव आता है, इस तरह से उन्होंने वो माइनॉरिटी के खिलाफ कोई ऐसा एक मुद्दा देश में लेके आते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम पूरे देश में दो तरफ बढ़ जाए और हमें उसका फ़ायदा मिले। तो ना तो केंद्र सरकार को NRC पर कोई काम करना था और ना केंद्र सरकार को UCC पर कोई काम करना है। ये एक चुनाव का वक्त है और ऐसे वक्त में एक ऐसा स्लोगन छोड़ना है जिससे देश में एक बहस हो और उस बहस में हिंदू अलग हो, मुस्लिम अलग हो, जिसका फ़ायदा उसे मिले, यही इनका उद्देश्य है। ना तो ये कभी UCC लेकर के आएंगे, ना कभी NRC लेकर आए, समझे, यही इसका मामला है। क्या हमारे देश में 70 साल हो गया, आज भी भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, क्या वो देश के बारे में नहीं सोचते? आज भी क्या हिंदू और मुस्लिम के बारे में सोचते? क्योंकि तभी तो जाकर नेता इस चीज़ को हर समय यूज करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं। आज भी हमारा देश पूरे विश्व में एक मिसाल है सभी धर्मों के एकजुटता का, एक मिसाल है जहाँ हर लोग एक साथ मिल करके, कॉलेज हो, स्कूल हो, संस्था हो, शहर हो, मार्केट हो, सब एक भाईचारा के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इसको तोड़ करके अपना रोटी सेकना चाहते हैं, और कहीं कहीं उसको फ़ायदा, कहीं उसको फ़ायदा भी मिलता है। और जब उनको इस चीज़ में फ़ायदा मिलता है तो वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम करें। और अब चूँकि ये काम करने वाला लोग अब खुद पीछे हट रहे हैं, वो जानने का, आम जनता ये समझने लगी है कि इससे कुछ होना नहीं है, हम लोगों को बांट करके ये लोग राज करना चाह रहे हैं। और वो जो हिंदू मुस्लिम का जो एक तरह से मुझे कि नफ़रत फैलाया जाता है, इस नफ़रत के पीछे दोनों कम्युनिटी के लोग समझ गए हैं कि ये नफ़रत फैलाया जा रहा है और इसमें कहीं हम लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और अब लोग समझने लगे हैं। और 2024 के चुनाव में मुझे लगता है कि इसका परिणाम देखने को देश को मिलेगा।
कॉरपोरेट हो या जनता हो, दाव लगाएगा किस में? क्योंकि उनके पास तो एक तो मोदी का एक तो ब्रांड है प्रधानमंत्री मोदी का, कि उनके भाषण से उनके सब वोट होता है। लेकिन आपके पास अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए आए। अभी एक लक्ष्य है हम लोगों को मोदी को हटाना, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी आदमी को प्रधानमंत्री बना करके ही उसको हटाया जाए। अभी हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करना, और बीजेपी के खिलाफ जब जनता वोट, जनता इस बात को मान रही है कि बीजेपी इस देश को नहीं चला सकती है। यही एक वक्त था कि सारे बीजेपी के लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, लेकिन राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो पूरी देश की जनता ने ये बताया कि नहीं, तुम जो पप्पू कहते हो वो गलत है, खुद तुम पप्पू हो, राहुल गांधी वैसा नहीं। तो कहने का मतलब, किसी को मौका मिलता है तब पता चलता है। मोदी जी को कौन जानता था? मुख्यमंत्री बने तो लोग जाना, प्रधानमंत्री बने तो लोग जाना। तो काम करने का मौका किसी को मिलेगा, चाहे वो नीतीश जी को मिले, लालू जी को मिला, समझे, लालू जी को जब रेल मंत्रालय मिला तो कितना अच्छा काम किया जो आज तक कोई रेल मंत्री नहीं कर सका। लेकिन मौका मिलने के बाद ही पता चलता है। इसलिए यहाँ की जनता एक बात ये सोच रही है कि हमें बीजेपी को हटाना है, बाकी बीजेपी के खिलाफ वोट होने के बाद फिर हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे किसको प्रधानमंत्री बनना है नहीं बनना। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना हुई, इसके लिए आपके पार्टी और आप पूरे तमाम जनता की तरफ से क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मणिपुर की घटना इस देश के लिए शर्मनाक नहीं, बल्कि इस देश के लिए पूरे विश्व में एक शर्मनाक छाप छोड़ा है। पूरे विश्व इस बात को देख करके हैरान है कि इंडिया में इस तरह का भी चीज़ होता है। जिस पार्टी का मणिपुर में सरकार है उसी पार्टी का देश में सरकार है, और ये घटना मई में ही हो गई थी, और इस चीज़ को दोनों सरकार मिल करके दबाने का बहुत प्रयास किया गया, और शायद इत्तेफाक से किसी ने इस वीडियो को वायरल किया और ये बात अभी पूरे है। अब बताए, मणिपुर जैसे घटना पर पार्लियामेंट में बहस करने के लिए सरकार तैयार नहीं हो तो अब वैसी सरकार को वोट दे के लोग क्या करेगा, जिसकी माँ बहन की इज्जत रोड पर लाया गया हो, जो भी हो उसमें, आज किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, लेकिन सर जिसकी माँ बहन की इज्जत पर लूट लिया जाए और वैसे बात पर भी पार्लियामेंट में अगर बहस नहीं हो तो फिर पार्लियामेंट किस काम के लिए है? सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए पार्लियामेंट नहीं ना बनाया गया है। पार्लियामेंट में आखिर लोग, आम जनता की बात होनी चाहिए, और जब आम जनता की बात पार्लियामेंट में नहीं हो पा रही है तो लोग समझ रहे हैं आप पैमाना लोग के बीच में, देश की जनता के बीच में, कि सरकार को अब वोट देना है या नहीं देना है। बिहार में 2024 में जो आप लोग जनता के बीच में जाएंगे विधानसभा या लोकसभा में, तो क्या क्या मुद्दा और क्या क्या विकास के मुद्दा को आप लोग लेके जाएंगे? नहीं, हम लोग बिहार में एक तो एक जान ले, पूरे देश में ये अभी वर्तमान सरकार के खिलाफ एक हवा बह रही है, समझे, और जो लोग कल तक अंधविश्वास की तरह मोदी मोदी जी मोदी कर रहे थे, वो भी अब एक बार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि मोदी सही या गलत, अब इस बात पर वो डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं। हम लोग देश की जनता को, बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप जहां जा रहे हो, या पिछली बार जहां आपने 40 में 39 पार्लियामेंट को जिता के भेजा देश में, क्या उस 39 लोगों ने बिहार के लिए कुछ किया, कभी आवाज़ भी उठाया बिहार के लिए? बिहार को स्पेशल पैकेज का मामला था, बिहार को स्पेशल पैकेज देना था झारखंड अलग होने के बाद, ये 39 सांसद ने कभी बिहार में इस तरह की कोई बात नहीं, जबकि 39 सांसद NDA के थे, समझे। तो वो सांसद जिसको आप जिता के भेजते हैं पार्लियामेंट में, और 40 में 39 जिता के भेजते हैं, और एक बार भी बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के शिक्षा नीति को लेकर के आप एक बार भी किसी पार्लियामेंट में किसी सांसद ने आवाज़ नहीं उठाया। प्रधानमंत्री खुद यहाँ आए, हम लोगों ने सबसे पुराना जो हमारा यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का मांग हमारे मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, हमारे 40 सांसद बैठ के देखते रहे। तो वैसे सांसद को, वैसे पार्टी के सांसद को जिताने से क्या फ़ायदा जो बिहार के बारे में कुछ बोल नहीं सके, और यही हम लोगों का मुद्दा रहेगा, इसी मुद्दा पर हम लोग पढ़ेंगे। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपने लिए। सर, बात होती है झारखंड की राजनीति का, अभी बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने आज का ही बयान दिया है कि बीजेपी की अगर सरकार आएगी तो NRC लेके आएंगे, तो क्या झारखंड के लिए फायदेमंद है? मैंने तो पहले बता दिया आपको कि जब जब चुनाव का वक्त आएगा, NRC, CA और UCC अभी आप देख रहे हैं, समझे, जब चुनाव का माहौल आएगा, ये सारे बीजेपी के पास अब कुछ नहीं करने का है कि मैंने इतने स्कूल्स बनाए, इतने यूनिवर्सिटीज़ बनाए, इतने IIT खोला, इतना एम्स खोला, इतने यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया, शिक्षा की नीति, अब देखिए न्यू शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, किसी तरह कोई न टीचर्स हैं, न किस तरह कोई सिलेबस है, आप नए नए शिक्षा नीति लाते हैं, तो पूरे देश को दिग्भ्रमित करके, समझे, ये रखना चाहते हैं, और इलेक्शन के वक्त में वही कभी NRC और कभी CA। अब बताइए, NRC लेकर के आएंगे बाबूलाल मरांडी, स्टेट में कैसे NRC लेकर आएंगे, ये तो केंद्र का मामला है,
बाबूलाल मरांडी जी कैसे कर सकते हैं समझे। तो चूंकि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है और ऐसी बात बोलना है जो कि हिंदू मुस्लिम बटे आपस में। सर आरजेडी बिहार में बहुत मजबूत है, इस बार क्या झारखंड में वह मजबूती आएगी जो पहले पिछले 20-30 साल पहले राधे यादव का टाइम हुआ करता था, लालू प्रसाद यादव जी के कारण हुआ करता था, आरजेडी का वह क्रेज क्या झारखंड में जमशेदपुर में पूर्वी पश्चिमी या हमले को ग्रामीण क्षेत्र पोटका पटमदा तरफ आएगी क्या? नहीं, झारखंड में जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है आरजेडी का, तो जो बिहार से सटे हुए जिला है समझे, देवघर हुआ, गुड्डा हुआ, पलामू हुआ, इन सारे इलाकों में आरजेडी का अच्छा प्रभाव है और हम लोग ये कुछ पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में भी एक ज़माने में आरजेडी के बहुत अच्छा चुनाव हम जीत पाए या नहीं जीत पाए, लेकिन हमारी मतलब कि अच्छी खासी में एक पकड़ थी जनता के बीच में, और कहीं ना कहीं बीच में हम लोग कुछ कमज़ोर पड़े हैं झारखंड अलग होने के बाद। झारखंड एक दिमाग में लोगों का मानसिकता हुआ कि आरजेडी बिहार की पार्टी है और यहाँ झारखंड की जेएमएम की पार्टी है, इसलिए अब हम लोग जेएमएम में जाए, लेकिन इन सब की सब चीज़ों को देखने के बाद फिर से लोगों को लगा कि नहीं, बिहार जो पहले यूनाइटेड बिहार था जिसका नेतृत्व लालू जी कर रहे थे, वो निस्संदेह आज के झारखंड से बेहतर था समझे, आज के झारखंड से ज़्यादा अच्छे से चल रहा था, इससे फिर से हमारी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी आज के वक्त से ज़्यादा बेहतर। राजनीतिक परिचर्चा कभी ख़त्म नहीं हुआ होगा और ख़त्म होना भी नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति को अगर सुधारना है तो अच्छे लोगों की आने की बहुत आवश्यकता है, और जावेद प्रोफेसर जावेद इकबाल अंसारी जी ने वहाँ कमी को फुलफिल को भरने का कोशिश करता है कर रहे हैं, लेकिन जनता जो वोट देती है उनको भी अपनी वोट कीमती वोट सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि 2024 आ चुकी है और हर पार्टी अपनी अपनी ढंग से बात रख रही है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।